वेलकम टू पहल कंपटीशन क्लासेज, सभी का स्वागत है। और ये है आपका वीकली, जो है वीकली टेस्ट, या यू कहें वीकली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जामों में जो है आपके डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं काम में आएंगे। और ये हमारा 22 से 28 अक्टूबर का है। जल्द ही मैं जो है 29 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तो ये ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। अगर कहीं पर कुछ त्रुटि लगे तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, या 24 अक्टूबर, या 25 अक्टूबर? कब मनाया जाता है कमेंट्स करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर। मैं यहाँ पर फैक्ट ना बता करके केवल क्वेश्चन पे ही अपन जो है ध्यान देंगे। विश्व विकास सूचना दिवस डैश डैश को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, या फिर 29 अक्टूबर? तो विश्व विकास दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने डैश डैश को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, या 29 अक्टूबर? कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? ओमान, थाईलैंड, म्यांमार, या ईरान? किसके द्वारा दिया गया? तो ईरान के द्वारा जो है ये हामून नाम दिया गया है। हाल ही में निम्न में से किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधाएं शुरू की गई हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, या कनाडा? किसके लिए की गई है? तो कनाडा के लिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, या आईआईटी पाल पालकड़? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी पालकड़। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के कियांग का निधन हुआ है? दक्षिण कोरिया, चीन, यूक्रेन, या एस्टोनिया? इसका चीन के जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने सरकार से आइस्ट्राट टैलेंट कॉन्सेप्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, या कर्नाटक? तो किसने किया है? ये किया है राजस्थान ने। हाल ही में निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी का स्थापित करेगा? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, या केरल? तो ये करेगा केरल। हाल ही में निम्न में से किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में निम्न में से किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली, कंबोडिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका होगा कंबोडिया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम स्कूल की शुभारंभ किया है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, या गुजरात? तो किस में किया है? हरियाणा में। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, या सलमान खान? तो निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव, सी ऑप्शन इसका सही होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, या तमिलनाडु? तो केरल इसका सही आंसर होगा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? रूस, जापान, स्वीडन, या चीन?
तो चीन होगा इसका सही आंसर, चीन ने जो है अभी हाल ही में किया है। निम्न में से किस ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन, हाल निम्न में से किसने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, किसने किया, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जगह फिफ्थ जी तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन का आयोजन किया गया, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलुरु? तो दिल्ली में किया गया। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली? तो आईआईटी कानपुर के साथ ये समझौता किया है। हाल ही में फॉरेस्ट फॉर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? भारत, नेपाल, मडगास्कर या दक्षिण अफ्रीका? किसने किया है? तो ये भारत ने किया है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? ब्रिटेन, आइसलैंड, श्रीलंका या कनाडा? तो किसने किया है? श्रीलंका ने। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में न्यूट्रो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, चीन या इटली? तो किससे रहा ये? चीन से। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुरुग्राम, मुंबई, श्रीनगर या हैदराबाद? ये कहाँ पर रहा? गुरुग्राम में। पहला ऑप्शन सी होगा। हाल ही में निम्न में से किस देश में आयोजित 2023 केबरियन गश्ती सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता? ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या न्यूजीलैंड? तो ब्रिटेन में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया? कपिल देव, अमोल मुजुमदार, वसीम अकरम, अजय जडेजा? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी अमोल मुजुमदार जी को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया? हैदराबाद, चंडीगढ़, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। इसका तीसरा ऑप्शन सी। हाल ही में निम्न में से किस देश में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव हुआ? म्यांमार, लाओस, मलेशिया, वियतनाम? तो वियतनाम में हुआ। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात? किसमें किया गया है बताएगा? तो नैनो डीएपी प्लांट गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, गांधीनगर में। इसका फोर्थ ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम? तो जापान के साथ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया गया, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर? 27 अक्टूबर को मनाया गया, माफी चाहूंगा, यही मुझे कंफ्यूज था। ये सही होगा इसका, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मनाया गया। 24 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना गया है। एशियाई पैरा खेलों में के पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने इनमें से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कौन सा जीता है? तो
नीरज कुमार ने जो है स्वर्ण पदक अभी हाल ही में जीता है। हाल ही में रोबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? स्लोवाकिया, जर्मनी, इटली या हंगरी? तो किसके बने हैं? स्लोवाकिया के। हाल ही में विश्व सर्वजन दिवस विरासत दिवस कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर? तो ये 27 अक्टूबर ये था। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस की एक डेट होती है तो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है कभी कभी। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या पोलो? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक निम्न में से किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र या असम? क्या होगा? असम। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा असम, असम की महिला टीम ने जीता है। कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में मनाया गया? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? तो कब मना गया? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, और 31 अक्टूबर को ही। कमेंट करके बताइएगा एक और महान व्यक्ति का जो है जन्मदिन मनाया जाता है अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को मनाया गया था, तो उसका नाम बताएं कमेंट्स करके, कौन था वो? हमारा जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता माने जाते हैं। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर या रांची? अहमदाबाद। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या महाराष्ट्र? तो हिमाचल प्रदेश में मिली है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में मिली है। तो दोस्तों ये थे 36 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा और आप लोग मुझसे जुड़े जुड़ते रहे तो जल्द ही आप लोगों के लिए और भी कुछ बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को बाय बाय।